दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम का। तो कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से भी और तमाम वीडियो के माध्यम से भी मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि आखिरकार नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा पढ़ लें, ऐसा भी ना हो कि कोई टॉपिक छूट जाए। तो हम आपको अपने हर वीडियो यानी कि जो भी हम वीडियो सुन, जैसे हम नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहे हैं तो नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देंगे कि आखिरकार आपको क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे जिससे कि आप ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक आपसे छूट जाए, ऐसा भी ना हो कि कोई टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़ लो जिसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। तो बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम बात कर रहे हैं यानी कि नेशनल इनकम कंसेप्ट एंड मेजरमेंट की, जिसको कि हिंदी में हम राष्ट्रीय आय की संकल्पना और मापन कहते हैं। तो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी बताऊंगा जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो बच्चों ये हमने नेशनल इनकम के नोट्स बनाए। सबसे पहला जो पॉइंट आपको कवर करना है वो करना है डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि आपको नेशनल इनकम क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। नेशनल इनकम की क्या क्या लोगों ने परिभाषा दी है, हालांकि कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो फिशर की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दी है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा एक होता है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि आप मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूं। तो इसका मतलब इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, चार सेक्टर होते हैं, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर। तो इंटरडिपेंडेंसी हर सेक्टर की एक दूसरे से किस प्रकार है यही समझा रहा है सर्कुलर फ्लो में। यानी कि इसके अंदर बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इन तीनों एक्टिविटीज में एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किस तरीके से डिपेंडेंट है ये सब कुछ आपको कवर करना है। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम आपको कवर करना है जिसमें रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने कवर किया हुआ है। इसके अलावा टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो आपको कवर करना है, ठीक है, ये हमने कवर किया हुआ है। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो कवर करना है और 4 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो कवर करना है। अगर आप हमारी बात करेंगे बच्चों वीडियो के माध्यम से तो देखिए वीडियो में हमने ये हमारा कोर्स है जो हमारी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, इसके अंदर हमने फर्स्ट जो वीडियो बनाई हुई है डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की बनाई हुई है, दूसरी वीडियो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बनाई है, तीसरी वीडियो बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है। इसके अंदर हमने नेशनल इनकम के सारे कंसेप्ट को हमने ऐड कर लिया है, यानी कि इस वीडियो में हमने आप बच्चों को क्या क्या कवर किया है वो भी आप एक बार देख लीजिए। इसके अंदर हमने स्टॉक एंड फ्लो कवर किया हुआ है, इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी कवर किया हुआ है, इसके अलावा हमने नॉर्मल रेजिडेंस कवर किया हुआ है, ट्रांसफर एंड फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम ये कवर किया हुआ है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इसी में कवर है। यानी कि एक कंसेप्ट बना लिया जिसमें हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है, कैपिटल गुड्स क्या होती है, कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको सारे कंसेप्ट तीसरी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड किसे कहते हैं ये भी हमने कवर किया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा इसके अंदर, और इसके अलावा नेट फैक्टर इनकम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब कुछ बच्चों हमने कवर किया हुआ है, आप कंसेप्ट देख सकते हो। इसके अलावा नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है, नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं, ये सब कुछ इसी टॉपिक में आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है, GDP एट MP क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये हमने कवर इसी के अंदर कर लिया, रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो भी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक मिनट, ये वाला जो टॉपिक है दिस वन, ये जो छठे नंबर का है ये रिलेटेड एग्रीगेट्स का ही है, तो ये भी हमने कवर किया हुआ है बच्चों इसके वीडियो में। बेसिकली आपको समझना है कि आपको क्या क्या कवर करना है, तो आपको पर्सनल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ये सब आपको कवर होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों देखिए ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम को मेजर करने के स्टेप्स क्या हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, तीन मेथड से नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है और तीनों मेथड से उसको बराबर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये वाले टॉपिक भी कवर किए हुए हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे तीनों के तीनों। हालांकि यूट्यूब के माध्यम से भी हम आपको कई सारी वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये प्रिकॉशंस अलग अलग क्या हैं, तो ये आपको वीडियो नंबर 3 में मिल जाएंगे, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी इसी के अंदर ही। ओके बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डिफिकल्टीज क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या है नेशनल इनकम के, ये भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से इसमें कवर किया हुआ है।
ये रहा, ठीक है, डिफिकल्टीज एंड प्रिकॉशंस है। इसके अलावा रियल एंड नॉमिनल जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी के बारे में। इसके अंदर हमने रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस किया हुआ है। इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं जिससे कि आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस समझ में आ जाए। इसके अलावा रियल जीडीपी को अच्छा मेजर माना जाता है लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं, उस पर भी डिस्कशन आपसे किया गया हुआ है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे तो देखिए नोट्स में तो इतने कंसेप्ट है लेकिन एक और टॉपिक है जो हमने बाद में कवर किया हुआ है उसको बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ग्रीन जीडीपी से भी रिलेटेड एक कुछ बार क्वेश्चन आया था इसलिए हमने ग्रीन जीडीपी और नेशनल वेल्थ इसको भी कवर कर दिया है। तो पहले आप ये सारी वीडियो देखिएगा, नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे तो। हालांकि अगर आपने कोर्स बाय नहीं किया तो ये नोट्स आपके लिए रीडेबल है, आप मोबाइल फोन से रीड कर सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नोट्स अपने बनाइए और टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, तो इस तरीके से आपका नेशनल इनकम अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे जरूर डालूंगा जिससे कि आपको पता रहे कि हम क्या क्या कंसेप्ट करा रहे हैं, लेकिन सारी की सारी वीडियो तो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल से मिलेगी। बहुत ही नॉमिनल सी फीस बच्चों इस समय चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये हमारा कोर्स है, कोर्स जो आप देखोगे जिसकी की फीस 7000 है 1 ईयर की, और अभी इस पर कूपन लगा हुआ है। ये कूपन, 3 कूपन हमारे पास हैं अभी, 30%, 40%, 50% का। अभी जो ऑफर है होली ऑफर जो चल रहा है उसमें 50% वाला कूपन अवेलेबल है, तो आप जैसे इसको अप्लाई करते हो तो आपकी जो फीस है मात्र 3592 रुपीज़ रह जाएगी। तो इस कोर्स को अगर आप बाय करते हो 3500 फीस में, अभी अवेलेबल है, देखिए हमेशा के लिए ये कूपन नहीं रहेंगे, तो अभी जो कूपन अवेलेबल है वो ये अवेलेबल है, तो आप कोर्स को बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए ये कूपन किसी वजह से ख़त्म हो जाता है तो आप बाकी के कूपन जो भी अवेलेबल होगा वो आपको यहीं पर दिखेगा, यहाँ पे दिखेंगे सारे के सारे कूपन अगर कोर्स के अंदर कूपन है तो। तो आप बच्चों अभी जो ऑफर है उसका फ़ायदा आप उठाइए और इस कोर्स को बाय करना चाहें तो आप कोर्स को बाय कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।